सर, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि सनी देओल की गदर 2 और शाहरुख खान की पठान का क्लैश होगा 25 जनवरी को, आपका क्या कहना है? जी हाँ, देखिए मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए, ये वोटिंग चल रही है कि भैया आप बताओ कौन सी फिल्म देखोगे जनवरी में। 25 तारीख को पठान लग रही है और 26 को गदर 2 लग रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि भैया कहाँ से कौन सी जगह से आए हुए लोग हैं जिन्होंने मतलब ट्वीट करना आता लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता। मेरे ख्याल से शायद उन्होंने देखा नहीं, अभी अनाउंसमेंट वगैरह सब हुआ था कि रिलीज डेट अनाउंसमेंट होगा 26 तारीख को गदर 2 का, यानी कि पठान रिलीज होगी 25 जनवरी को और उसके नेक्स्ट डे गदर 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट होगा। गदर 2 रिलीज नहीं होगी, जो ये लोग लगे हुए हैं कि गदर 2 और पठान का क्लैश हो रहा है, आप पठान को बॉयकॉट करो, गदर 2 को देखने जाओ, सनी पाजी की फिल्म देखो। अरे ठीक है भैया, अच्छी बात है, गदर भी अच्छी फिल्म होगी, हम भी उम्मीद करते हैं गदर 2 खतरनाक कमाई करे, खतरनाक फिल्म हो, शानदार रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन ये बेतुकी सी बात है, आप क्यों कर रहे हो, क्यों जबरदस्ती में कंपैरिजन कर रहे हो, क्यों जबरदस्ती में हेट फैला रहे हो पठान को लेकर? अब कई सारे लोगों को सच में नहीं पता कि भैया हाँ ऐसा कुछ है, तो वो लोग तो देख के ही सोचते कि अरे यार 26 तारीख को सच में गदर 2 आ रही है, वो तो ये सोचते कि यार पठान और गदर 2 का वो क्लैश हो रहा है, हम गदर 2 देखेंगे, पठान देखेंगे, ये करेंगे, पठान को वो कर दो, ये कर दो। बेवजह भी ये भर कहीं पठान को भिड़ा रहा है। आप तो देखिए जबरदस्ती की वो बातें हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इन सब से। लेकिन मैं तो ये किस तरह के लोग हैं आप खुद ही सोचिए, इमेजिन क्या बकवास कर रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता है। गदर 2 का चलो मैं तो कह रहा हूँ आप सपोर्ट कर रहे हो गदर 2 का, करो, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन आप कम से कम देखो तो। आपको खुद ही नहीं पता है कि फिल्म कब आ रही है, फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हुई नहीं और आप लगे हो भैया कि वो तो क्लैश हो रहा है पठान का, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 26 जनवरी को भैया गदर 2 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट आने वाला है, उस 26 तारीख को हमें पता चलेगा कि गदर 2 कब रिलीज की जाएगी। तो जब रिलीज डेट आ जाए उसके बाद कंपेरिजन करना भाई मेरे, अभी से मत करो। और पठान 25 जनवरी को हारी है, बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी, सारे रिकॉर्ड तहस नहस होने वाले हैं, पठान की आंधी में कोई नहीं टिकेगा।